राज्यातील नागरिकांच्या तत्परतेमुळे शाळकरी मुलाचे वाचले प्राण. मुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्ष जातीयवादी उत्तमसिंह पवार यांचं खळबळजनक वक्तव्य. आता मेट्रो मध्ये महिलांना स्वतंत्र अर्धा डब्बा. धनगर समाजाचं आंदोलन राज्यभर पेटलं. नमस्कार, मी अश्विनी, टाइम टीव्ही महाराष्ट्र न्यूज बुलेटिन मध्ये आपलं स्वागत. पाहूया सविस्तर वृत्त. लायन्स क्लब विमान नगर, शिवछत्रपती प्रतिष्ठान व बीजेएस कॉलेज यांच्या संयुक्त विद्यमाने वाघोलीतील विष्णूजी शेकूजी सातव विद्यालयात विद्यार्थी व ग्रामस्थांच्या मदतीने वृक्षारोपण करण्यात आले. यावेळी गणेश सातव आदी अधिकारी उपस्थित होते. गोदावरीला पाणी आल्याने किनाऱ्यावरील गावातील एक शाळकरी मुलगा व एक नागरिक बुडाले. यातील शाळकरी मुलाला वेळीच मदत मिळाल्याने त्याचे प्राण वाचले, तर नागरिक संध्याकाळपर्यंत सापडला नसल्याने त्याचा शोध सुरूच आहे. औरंगाबाद अहमदनगर जिल्ह्याच्या सरहद्दीवरील बापतरा पुरणगाव डोणगाव या गावातील मुले शिक्षणासाठी अहमदनगर जिल्ह्यातील राहता तालुक्यातील पुणतांबा या गावी येतात. या सर्व मुलांना गोदावरीचे मोठे पात्र ओलांडून यावे लागते. यावर्षी पहिल्यांदाच गोदावरीला पाणी आले आहे व या भागातील मुले नदीतून येत असताना त्यातील प्रशांत संजय हिंगे हा विद्यार्थी आज दुपारी नदीत बुडाला. त्याच्या मित्रांनी मदतीसाठी आरडाओरडा केली तेव्हा नदी किनाऱ्यावरील मच्छिंद्र पवार या ग्रामस्थांनी बुडणाऱ्या प्रशांतला वाचविण्यास धावले. यामुळे या लहानग्याचे प्राण वाचले असले तरी पुरणगाव परिसरातून एक नागरिक बुडाल्याने त्याचा शोध सुरूच आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे जातीयवादी असल्याचा खळबळजनक आरोप औरंगाबादचे माजी खासदार उत्तमसिंह पवार यांनी केला आहे. राष्ट्रवादी पाठोपाठ काँग्रेसमध्येही स्वकीयांवर टीकास्त्र सोडण्याचं सत्र सुरू झालं आहे. मिस्टर क्लीन प्रतिमा असलेल्या मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर पक्षातील नेत्यांनीच आरोपांच्या फैरी झाडायला सुरुवात केली आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे हे जातीयवादी असल्याचा आरोप औरंगाबादचे माजी खासदार उत्तमसिंह पवार यांनी केला. तसं पत्रही उत्तमसिंह यांनी काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींना लिहिलं आहे. शिवाय जात पाहून आमदार तसंच खासदारकीचं तिकीट दिलं जात असल्याचं पवारांनी नमूद केलं आहे. काही दिवसांपूर्वी माजी खासदार विलास मुत्तेवार यांनीही भरसभेत मुख्यमंत्री आणि माणिकराव ठाकरेंवर टीका केली होती. आता उत्तमसिंह पवार यांनीही या जोडीला लक्ष्य केलं आहे. स्वतंत्र दिनाचं औचित्य साधून मेट्रोने मुंबईकर महिलांना गिफ्ट दिलं आहे. मुंबईतील लोकलच्या धर्तीवर आता मेट्रोमध्येही महिलांसाठी स्वतंत्र आसन व्यवस्था असणार आहे. आता मेट्रोमध्ये वर्सोव्याकडील डब्याचे दोन भाग करून अर्धा डब्बा महिलांसाठी आरक्षित असणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात महिलांचा प्रवास अधिक सुखकर आणि सुरक्षित होणार आहे. स्ट्रीप सेपरेटरच्या मदतीने डब्याचे दोन भाग करण्यात येणार असून 24 सीट आरक्षित असणार आहेत. मात्र इतर डब्यातील महिलांसाठी आरक्षित असलेल्या जागा काढण्यात येतील, परंतु अपंग आणि वृद्ध प्रवाशांसाठी 4 जागा राखीव असतील. तसेच महिलांसाठी आरक्षित डब्यातून पुरुषांनी प्रवास केला तर त्यांच्याकडून दंडही वसूल केला जाणार आहे. आदिवासी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता धनगर समाजाचा तिसऱ्या सूचित समावेश करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. परंतु धनगर समाजाने याचा तीव्र निषेध करून फक्त एसटी प्रवर्गात आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी राज्यभर चक्काजाम आंदोलन सुरू केलं आहे. बऱ्याच दिवसापासून धनगर समाज आरक्षणासाठी मोर्चा काढत होता. याचाच विचार करून मंत्रिमंडळाने धनगर समाजाचा तिसऱ्या सूचित समावेश केला आहे. मराठा समाजाला आंदोलन दिल्यानंतर राज्यात धनगर समाजाच्या आरक्षणावरून रण पेटले. त्यांच्या पाठोपाठ इतरही समाजांनी आरक्षणाची मागणी सुरू केली आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आता राज्य सरकारने मधला मार्ग काढला आहे. मात्र धनगर समाजाच्या नेत्यांनी या आरक्षणाला विरोध केला असून याचे तीव्र पडसाद म्हणून धनगर समाजाने फक्त एसटी प्रवर्गाचे आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी राज्यभर चक्काजाम आंदोलन सुरू केलं आहे. मुंबई पुणे ठाणे नवी मुंबई बारामती इत्यादी ठिकठिकाणी धनगर समाजाचे हजारो कार्यकर्ते रास्ता रोको आणि रेल रोको आंदोलन करत आहेत. मुंबई हायकोर्टाने मनोऱ्यांच्या उंचीवर घातलेल्या निर्बंधांना सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती देऊन 8 ते 10 थर लावण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र 12 वर्षाखालील गोविंदांना दहीहंडीत सहभागी होण्यास बंदी घातली आहे. गेल्या काही वर्षापासून दहीहंडीच्या उत्सवात उंच मनोरे रचून लाखो रुपयांची बक्षिसे कमवण्याची जीवघेणी स्पर्धा निर्माण झाली आहे. तसेच काही दिवसांपूर्वी सराव शिबिरात 2 गोविंदांनी आपला जीव गमावला आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुंबई हायकोर्टाने 18 वर्षाखालील मुलांना बंदी घातली होती.
त्यासोबतच दहीहंडीची उंची 20 फुटांपेक्षा जास्त असू नये असेही आदेश दिले होते. मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाली असून गोविंदांच्या पथकांना सुप्रीम कोर्टाने तात्पुरता दिलासा दिला आहे. त्यामुळे आता दहीहंडीचे 8 ते 10 थर लागणार आहेत. मात्र 12 वर्षाखालील गोविंदांना सहभागी होण्यास बंदी आहे. येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठी सर्व पक्ष आपापल्या तयारीला लागले असून अस्लम खान मुल्ला यांच्यासोबत आमच्या प्रतिनिधीने संवाद साधला. चला तर पाहूयात काय बोलले ते. इंडियन मुस्लिम लीग से आज मेरे साथ गुलाम अशरफी जी युवा नेता मेरे साथ जुड़े हैं. गुलाम जी, टाइम टीवी महाराष्ट्र न्यूज में आपका स्वागत है. जैसा कि आज पिछले 4 महीने पहले लोकसभा इलेक्शन हुआ और महाराष्ट्र लेवल पे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के हर जगह से कैंडिडेट खड़े हुए, कुछ कारण रहा जिसकी वजह से उनके फॉर्म रिजेक्ट किए गए. जी हाँ, बिल्कुल सर. लेकिन आज आपके सामने विधानसभा इलेक्शन है. विधानसभा इलेक्शन पे इंडियन मुस्लिम लीग से आप समथिंग कितने कैंडिडेट खड़े गए? देखिए सर, ऐसा है कि पिछली 11 तारीख को मुंबई में मीटिंग हुई हमारी, तो उस मीटिंग में काफी फैसले लिए गए कि कहां कहां से सीटें लड़ाना कहां कहां से नहीं, जिसमें 2 सीट डिक्लेयर हुई है, जिसमें से सबसे पहली सीट है उत्तर नागपुर की. बट ये उत्तर नागपुर बोले तो रिजर्वेशन एरिया है, तो यहाँ से हमारा एक कैंडिडेट है सुनील भाव खड़से करके, जिसे सोचे है कि इन्हें यहाँ से खड़ा करा जाए. इसके पहले नेहा सांगड़े को खड़ा करे थे, लेडीज कैंडिडेट को. अब लेडीज से उतना प्रेशर नहीं पड़ता है, बट फिर भी हम लोगों ने माशाल्लाह 5 से 7 हजार वोट लिए थे. तो इस बार इंशाल्लाह सोचे कि सुनील भाव खड़से को हम खड़ा करेंगे उत्तर नागपुर से और पूरी ताकत लगा देंगे, क्योंकि वैसा है कि आज अल्लाह का एहसान है, उत्तर नागपुर के अंदर में हमारी मुस्लिम लीग का बहुत अच्छा वर्चस्व है. क्योंकि उसके अंदर में ऐसा है सर कि डेवलपमेंट मायने रखता है. पहले वार्ड था, आज प्रभाग है. आज प्रभाग में हमारे असलम खान मुल्ला जी ने 7 साल में 27 करोड़ रुपए का काम करे है, तो जिसकी वजह से हमें पता है कि 100% इंशाल्लाह सुनील भाव खड़से चुन के आएंगे, इसमें हम लोग जीत हासिल करेंगे. अब दूसरी सीट बोले तो मध्य नागपुर मुस्लिम बहुल एरिया जिसे बोलते हैं, जहाँ मुसलमानों की वोटों की वजह से कांग्रेस चुन के आती है. अगर मुसलमान की वोट ना मिले कांग्रेस को तो कांग्रेस हार जाए. तो वहां से हमारे नगर सेवक असलम खान मुल्ला जी को हम खड़ा कर रहे हैं, जहां से असलम खान मुल्ला जी वहां खड़े होंगे और वहां से इंशाल्लाह जरूर जीत हासिल होगी. क्योंकि मुस्लिम लीग बोले तो ये मुसलमानों की पार्टी नहीं है, ये सर्वधर्म संभव. पार्टी का रिकॉर्ड अगर उठाया जाए तो आज केरला के अंदर आपकी पार्टी के बहुत आमदार हैं, अच्छी संख्या पे आमदार हैं, खासदार हैं, लेकिन इसकी क्या वजह है जो महाराष्ट्र या इंडिया लेवल पे लिया जाए केरला को हटा करके आज दूसरे जगह पे हर जगह पे आज आपकी पार्टी पिछड़ी की हुई? सर, इसमें एक वजह है, इसका नाम मुस्लिम लीग है. बट लोगों की थिंकिंग है कि सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, बट ये मुसलमानों की पार्टी नहीं है, सर्वधर्म संभव की पार्टी है. आज सर मुस्लिम लीग के केरला में 26 आमदार और 2 खासदार है. अभी कैसा है सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ. पिछले बार इस जो आमदार की इलेक्शन है, ये इलेक्शन के पहले आने वाले आमदार इलेक्शन में यूपी से हमारी 20 सीटें लड़ी थी मुस्लिम लीग की आमदार के इलेक्शन में. उसके बाद खासदार का जो इलेक्शन गया, खासदार में कई जगह से जैसे नागपुर बोलो, वर्धा बोलो, नांदेड़ बोलो और महाराष्ट्र में ऐसी कई जगह है, हिंदुस्तान में ऐसी कई जगह जहाँ से मुस्लिम लीग खड़ी हुई थी, बट कहीं से मुस्लिम लीग चुन के आई, 2 सीटें केरला से आगे चुन के, बाकी कई जगह किसी के कोई कारणवश फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए, जिसके अंदर बड़ी बड़ी पार्टियों के हाथ है. जैसा कि नागपुर से आपके असलम मुल्ला जी खड़े हुए, तो असलम मुल्ला जी का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया. रीजन उसमें ऐसा है कि सर क्या था, कांग्रेस को डर था कि असलम मुल्ला जी अगर खड़े होंगे तो जो वोट कांग्रेस को मिले उतने वोट कांग्रेस ना ले पाए, बट असलम मुल्ला जी का इसी वजह से फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया उनका, तो इसलिए असलम मुल्ला जी बढ़ गए. क्योंकि एंड टाइम भी फिर हमें फोन आता वहां से पता चला कि आपका रिजेक्ट हो गया फॉर्म करके. उसके बाद में हमारी सीट नांदेड़ से भी खड़ी थी, तो वहां पे भी हारी हम लोग. तो कैसा कि प्रोसेस में लगभग करें, अल्लाह का एहसान है कि हम युवा है, धीरे धीरे युवा लोगों को जोड़ रहे हैं. केरल में भी काफी लोग है, वहाँ युवा मुस्लिम लीग है जो धीरे धीरे हर जितने भी नौजवान युवक है सबको जोड़ रहे हैं, धीरे धीरे यानी चलाए आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग. जैसा कि अभी गुलाम जी आपने बताया कि असलम जी का फॉर्म जब आपने भरा, ऊपर बड़ी पार्टी का प्रेशर आया, वो बड़ी पार्टी जैसा कि आपने बताया कांग्रेस, आखिर बाद में अगर बात का रिकॉर्ड उठा के दिया जाए देखा जाए तो आपकी पार्टी कांग्रेस को फिर समर्थन क्यों की? ये बात आपने सर बिल्कुल सही बोले. देखिए सर, ये मुद्दा ऐसा है कि आज असलम भाई और मैं
और कुछ लोग है, पार्टी हम लोगों से नहीं चलती, पार्टी के अंदर काफी लोग है, कुछ अच्छे है कुछ बुरे है, तो कुछ बागी नेता है हमारे जो कांग्रेस के साथ मिले हुए है, और कांग्रेस के साथ मिले हुए तो आखिरकार हमसे बगैर पूछे, बगैर असलम भाई से पूछे, बगैर हमारे नगर से असलम खान मुंडा से पूछे, उनसे बगैर पूछे वो समर्थन कर देते हैं कांग्रेस को। तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, वो लोग है तो इसका मतलब नहीं कि पूरी मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ में है, ये तो जनता फैसला करती है। लेकिन जनता की आंखों में तो आप पट्टी बंधी नहीं है, जनता तो यही सोचेगी ना कि आपकी पार्टी कांग्रेस से नोट लेके या कम बिकाऊ पार्टी है। उसमें आप जिस तरीके से बताया जा रहा है कि युवा को आज जोश भर रहे हम पार्टी के अंदर ले रहे हैं, लेकिन अगर पीछे का बैकग्राउंड उठा के देखा जाए तो ये उसमें तो पार्टी का नाम से गलत साबित होता है। आपका कहना बिल्कुल सही, बट आप क्या कर सकते, सीनियर लीडर है, सीनियर लीडर है, धीरे धीरे पार्टियों के समझ में आ रहा है, अभी धीरे भी मीटिंग चालू है किसको पोस्ट से निकाला जाए किसको रखा जाए, कि क्या है कि एंड टाइम पे कुछ बड़े लोग रहते हैं, मतलब आपको बताया कुछ बाकी लोग है, कई लोग आते हैं और कई लोग जाते हैं, तो भी इंशाल्लाह धीरे धीरे नौजवानों के हाथों में पूरी अभी ताकत आ रही है पार्टी की, जिस दिन इंशाल्लाह अगर पूरी भागदौड़ नौजवानों के हाथ में आ जाएंगी तो कभी गलती से कांग्रेस को समर्थन नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग की जितने युवा नेता है और जितने पुराने नेता है, हम सबके साथ ना कांग्रेस के साथ है ना बीजेपी के साथ है, हम लोग सिर्फ डेवलपमेंट के साथ में, जो हमारी जनता का विकास करेगा हमारा विकास करेगा हम उसके साथ में है, जो डेवलपमेंट ना करे जो वोटों की राजनीति करे हम उसके साथ में नहीं है। उसके बाद आज नागपुर की आप बात कर रहे हैं उत्तर और मध्य की, नागपुर के अलावा महाराष्ट्र लेवल में आपकी पार्टी कहां कहां से आपके उम्मीदवार खड़े कर रही है? अभी तो देखिए भजन ऐसा है कि लगभग 2 सीट का कन्फर्म हुआ है, उत्तर नागपुर का और मध्य नागपुर का, बाकी फिर भी अमरावती में चालू है डिस्कस, अकोला में चालू है, जालना में चालू है, औरंगाबाद में चालू है, नासिक में चालू है, तो भी इंशाल्लाह 10-1 दिन के अंदर में कंफर्म हो जाएगा कि कौन सी सीट और कहां से कौन कैंडिडेट खड़ा हुआ है, गोंदिया है भंडारा है, तो भी देखते हैं इंशाल्लाह, अभी 10 दिन का और समय है, 10 दिन के बाद में एक मीटिंग और रखी गई है तो कन्फर्म करेंगे उसके अंदर में कि कौन सी सीटें कहां से लड़ाना है करके। बट ये 2 सीट 100% है, उत्तर नागपुर से सुनील बाबू खड़से और मध्य नागपुर से असलम खान मुल्ला, और ये दोनों सीट के ऊपर हम लोगों को पूरा भरोसा है कि इनके ऊपर में जी जान लड़ा देंगे और हम लोग की सीट चुना के लाना है, क्योंकि डेवलपमेंट की बात है, हमारा डेवलपमेंट, हम लोगों को वोट नहीं होना, नहीं हम पैसे देने वाले, नहीं पैसे लेने वाले लोगों से, लोगों को समझता है काम। अभी वो समय गया कि भैया पंचायत वोट मारो कमल वोट मारो, जो भैया डेवलपमेंट करेगा जिसको प्रीवियस एक्सपीरियंस है, अब प्रीवियस एक्सपीरियंस में ओनली घोटाले नहीं, प्रीवियस एक्सपीरियंस में ओनली डेवलपमेंट, और आज असलम खान मुल्ला का सारा डेवलपमेंट दिखता है। आज आप हमारे प्रभाग में घूमिए, प्रभाग के अंदर में जो थोड़े बहुत सलाम एरिया है उसे छोड़ के बाकी जितनी भी है तो सारे असलम भाई ने 27 करोड़ रुपए का काम करे, तो आज ये छोटा सा नगर सेवक आदमी जो 27 करोड़ का काम कर सकता है 7 साल में, तो जिस दिन ये आमदार में बनेगा तो आज अपने एरिया को पूरा चमका देगा। जैसा कि आप विकास की बात कर रहे हैं गुलाम जी, तो क्या भाजपा और कांग्रेस लगातार पिछले 15-20 साल से राज करते हुए आई, अभी डोर पूरी केंद्र की डोर अभी भाजपा के हाथ में, क्या ये विकास नहीं करते? विकास भाजपा की, तो भाजपा तो जस्ट अभी आई है, इसके पहले तो केंद्र में कांग्रेस थी और स्टेट में भी कांग्रेस थी। भाजपा बोली तो डेवलपमेंट है इसलिए भाजपा चुन के आई, नरेंद्र मोदी जैसे अच्छे इंसान भाजपा के अंदर में है इसलिए भाजपा चुन के आई, नहीं तो अगर भाजपा में डेवलपमेंट नहीं रहता तो नहीं आती चुन के हो, बट भाजपा का इस जीत के आना बोले तो डेवलपमेंट के अलावा है, नरेंद्र मोदी जी ने डेवलपमेंट करे उसका विकास का मॉडल दिखाया वो जीत क्या है। देखिए सारी बातें करने के बाद बात सामने आती है विकास की, जिस तरीके से गुलाम जी ने मुझे बताया कि आज कोई भी पार्टी को ले लिया जाए बात आती है विकास की, नोटों की बात नहीं बल्कि पार्टी लेवल की बात नहीं, बात आती है विकास की। आणि आज वेळ झाली इथेच थांबण्याची, तुम्ही पाहत रहा टाइम टीव्ही महाराष्ट्र न्यूज, अचूक वेळ खरी गोष्ट। नमस्कार। We'll be right back.